तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेमन बोनसाई पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये बोनसाई, मैं इसे तैयार कर रहा हूँ। तो आप इसकी रूट्स देख लीजिए, ट्रंक देख लीजिए, बिल्कुल सीधी है और मैंने इसमें एक ब्रांच ही रखी है, एक ब्रांच रखी है। तो मैं इसे सिंपल सा डिज़ाइन देना चाहता हूँ, आप ऊपर से देख सकते हैं। तो इस बोनसाई को मुझे एक साल हो चुका है, तो मैंने इसे प्रूनिंग करता रहता हूँ। तो अगर आप लेमन बोनसाई बनाना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, वो आप फॉलो करोगे तो आपका बोनसाई बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। मेरा सबसे पहला टिप है कि जब भी आप लेमन बोनसाई बनाएं तब आप इसके जो कांटे निकलते हैं तो इनको हटा दीजिए। ये देखिए मेरे इस पर एक भी कांटा नहीं है, मैंने ऊन कर दिया है जिससे इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ निकलेगी। ये देखिए इतनी इतनी शूट्स निकल रही है यहाँ पर, जिससे इसमें बहुत सारी पत्तियाँ बनेगी तो ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो आपको बिल्कुल हेल्दी दिखेगा, इसमें बहुत से पत्ते दिखेंगे, छोटे पत्ते निकलेंगे, इससे लेमन बोनसाई बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए मैं इसकी प्रूनिंग करता रहता हूँ तो इसमें देखिए नई ब्रांच भी निकल रही है। और ये देखिए यहाँ से अभी मैंने प्रूनिंग की थी, अभी मैंने इसकी प्रूनिंग 2 दिन पहले करी थी, तब ये बहुत ज़्यादा घना था तो मैंने इसे हटा दिया। और दूसरी बात ये कि आप इसमें जो ब्रांच है वो ऊपर मत जाने दीजिए, जो ब्रांच ऊपर जा रही है उन्हें आप प्रून कर दीजिए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये ब्रांच, देखिए ये ज़्यादा ऊपर जा रही थी, मैंने इसे प्रून कर दिया। तो यहाँ से अब नई ब्रांच निकलेगी, उन्हें मैं नीचे लाऊँगा। और दूसरा देखिए ये देखिए यहाँ से मैंने इसे नीचे रखा है, ये ऊपर ब्रांच जा रही है, इसमें ऊपर नीचे मैं वायरिंग करके नीचे की तरफ रखूँगा, जिससे ये एक लैंडस्केप टाइप बोन सही लगेगा, जिसे हम लैंडस्केप स्केप में भी लगा सकते हैं। तो बात करें उसकी सोइल मिक्स की, तो अभी ये मेरे पास बड़े पॉट में लगा हुआ है, इसे बहुत से पॉट में ग्रो करें। तो आप इसकी सोइल मिक्स बिल्कुल वेल ड्रेन रखिए, पानी वैसे ज़्यादा यूज नहीं है। देखिए मैं इसे 2 दिन में एक बार पानी डाल दूँ, जिससे इसकी उसमें बहुत अच्छी हो, ताकि थोड़ा हार्डी प्लांट बने। उसमें मैंने फुल सनलाइट कर रखा है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। तो आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ से भी नई ब्रांचेस निकल रही है इस प्लांट से। तो मैं चाहूँगा कि इसे बहुत ज़्यादा अच्छा बने। तो अभी तो मैंने आपसे शेयर करें इसे बोनसाई बनाने का, तो मुझे इसका ये लुक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से देखिए मुझे इसका ये लुक बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से ये वाला लुक। तो इसमें मैंने एक और प्लांट लगा रखा है, जिसे मैं बोनसाई छोटा, इसे मैं किसी घर से लेकर आया था, उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दिया था। नहीं लाइम के प्लांट के पास बहुत सारे प्लांट थे, ये नॉर्मल है, ग्राफ्टेड नहीं है, इस पर लेमन थोड़ा टाइम से आएंगे, लेकिन इसका बोनसाई बनाया जा सकता है सबसे पहले। अगर आप ग्राफ्टिंग प्लांट का बोनसाई बनाना चाहते हो तो निकल गई। ऐसे आप जो आपको पसंद है डिज़ाइन वो आप बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार DAP डाल दीजिए, जिससे इसकी रूट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। रूट्स अगर ज़्यादा बनेगी तो आप इसे बाद में जब बोनसाई पॉट में लगाओगे तब आपको ज़्यादा परेशानी की दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। और इसमें टाइम टू टाइम इसे एक बार वॉश कर दीजिए, इसकी पत्तियों को साफ़ कर दीजिए, क्योंकि इस पर लीफ माइनर का रोग लग जाता है। लीफ माइनर की वजह से तो ये पहले भी ख़राब हो जाता है बहुत से प्लांट। मेरे पास जो ग्राफ्टेड प्लांट है उस पर लीफ माइनर आ गया था, तो उसकी वजह से इसकी पत्तियां ख़राब हो गई थी। तो मैं इसे रोज़ के रोज़ ही इसकी पत्तियों को ज़रूर साफ़ कर देता हूँ, पानी इसमें बहुत कम डालता हूँ। जितना आप कम पानी डालोगे उतनी ज़्यादा इसमें ग्रोथ आपको दिखेगी, पूरे साल भर आपकी ग्रोथ करता रहेगा। मेरे पास कुछ और भी प्लांट्स हैं लेमन के, लेकिन ये प्लांट जो है मुझे बोनसाई बनाना था, इसलिए मैंने इसे आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।